को सुप्रभात है और स्वागत है आप सभी का YT एजुकेशन में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आज का ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि पार्ट वन लिखा है मैंने यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे अगर, और ये है पार्ट वन जो है बिहार परिचय से रिलेटेड। बिहार परिचय यानी कि एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, बिहार एसएससी की, बिहार दरोगा की, या फिर बिहार कांस्टेबल की, बिहार के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन वहां पे बनते हैं। और उनमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बिहार परिचय, क्योंकि आपको बिहार के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और अदर स्टेट्स की एग्जामिनेशन की भी अगर तैयारी आप करते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार हमेशा से, जी हाँ, युगों युगों से कहें तो बिहार जो है भारत का एक ऐसा अंग रहा है जो कि इसके ऐतिहासिक भौगोलिक जो क्षेत्र है वो हमेशा से, जी हाँ, क्या आगे रहे हैं इन सभी चीजों को लेकर। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जहां पे हम बात करेंगे बिहार के भौगोलिक रूपरेखा के बारे में और उनकी सीमाओं के बारे में, और कुछ स्पेशल चीजें हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर भी बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखने होंगे, याद रखने होंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सपोज आज का जो टॉपिक है हमारा है वो बिहार से, ठीक है, तो ये जो बिहार वर्ड है ये सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कहां से इसकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए, बिहार हमेशा से कहा गया है क्या कि बौद्धों का ये निवास स्थल है। किसका? बौद्धों का निवास स्थल है, क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म जो थे वो उनसे पहले भी रह चुके थे यहाँ पे। लेकिन अगर बिहार की बात कर ले तो ये विख्यात हुआ बौद्ध धर्म से, तो यहाँ पे बौद्धों का जो निवास स्थल हुआ करता था उसको हम लोग कहते थे क्या, तो विहार। विहार यानी कि मठ, यानी कि, जी हाँ, क्या, मठ, मठ कहा जाता था, या फिर बौद्ध स्थल, ठीक है, ये बौद्ध स्थल भी कहा गया है, जी हाँ, बिहार को, क्योंकि यहाँ पे बिहार में ही बौद्ध स्थल जो कहा गया, यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि महाबोधि, जी हाँ, महाबोधि के नाम से वो जगह जाना गया, यानी कि गया में ये क्षेत्र है, जी हाँ, बोध गया, आप लोग का अभी तत्कालीन जो है यहाँ का क्षेत्र बोध गया, वहां पे ये जो क्षेत्र है महाबोधि वृक्ष होता है वहां पे, जहां पे महात्मा बुद्ध का ज्ञान हुआ। अब बिहार का नाम सबसे पहले तो देखिए क्यों पड़ा, यहाँ पे बिहार जो है, ये जो वर्ड है बिहार, है ना, ये बिहार जो है इस समय इसको जो भिक्षुक थे, उस समय जो बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे वो क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे और अपना जीवन यापन करते थे, तो उनको भी बिहार कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो बिहार कहते कहते ये जो वर्ड निकल कर आया, जी हाँ, करीब 12वीं शताब्दी में इसको बिहार कहा दिया गया, ठीक है। तो ये नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बौद्ध धर्म से हुई है, ये एक चीज हमेशा आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे सबसे, देखिए मैं बहुत शॉर्ट में लेकर चलूंगा, लेकिन अभी सारा चीज आपको, है ना, स्क्रीन पे ले जाके बताऊंगा कि इसके बारे में और डिटेल क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात कर लें इसके, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम भौगोलिक क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र है बिहार का वो देखिए, ये भारत में इसका स्थान क्या रहा है, ठीक है, तो ये भारत में अगर हम बात कर ले इसका स्थान क्या रहा है, तो इस जगह पे भारत के इस स्थान पे है ये, यानी कि ये पूर्वी राज्य है हमारा भारत का, ठीक है। इसके अगर हम दाहिने चले जाते हैं तो ये पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, जो कि जाना गया है सात बहनों या फिर, जी हाँ, आठ बहनों के नाम से भी कभी कभी इसको जाना जाता है, ये सारे राज्य जो कि हमारे बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में है, पूर्वोत्तर क्षेत्र कहा गया है, लेकिन जो बिहार का जो एरिया है वो पूर्वी है। तो भारत में अगर स्थान पूछ ले बिहार का कि कौन से स्थिति में है, भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि ये भारत का पूर्वी राज्य है, ठीक है। बिहार की राजधानी जो है दोस्तों पटना होती है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है बिहार के बारे में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसके उत्तर में, जी हाँ, कौन सा एक देश है, जो कि नेपाल है, ठीक है। अब ये जो है एक ऐसा राज्य है देश का हमारा जो कि इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। अब यहां से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन यही से बनता है, ठीक है। तो एक तो हमारा जो राज्य है वो क्या है, तो लैंड लॉक्ड है, क्या है, लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, कहीं भी समुद्री क्षेत्र इसको नहीं यहां पे घेरे हुए है। अगर हम यहां पे बात करें पश्चिम की, है ना, ये तो उत्तर हो गया यानी कि नॉर्थ हो गया ये हमारा,
ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। अब अगर हम बात करें वेस्ट की, वेस्ट की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश यानी कि एक राज्य है भारत का ही जो कि इसके वेस्ट में है। अगर दक्षिण की बात कर ले तो यहां पे है झारखंड, ठीक है। अब देखिए झारखंड जो है, ये हम साउथ की बात कर ले, है ना, साउथ की बात कर ले, दक्षिण की बात कर ले तो हमारे बिहार राज्य के दक्षिण में है झारखंड। झारखंड का जो उद्गम है यानी कि जो झारखंड जाना जाता था वो पहले बिहार के नाम से ही जाना गया है। इसको सन 2000 में 15 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर को बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया गया जिसका नाम पड़ा झारखंड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए मैंने आपको यहां बता दिया। और बिहार जो क्षेत्र था ना, ये एक बार और जान लीजिए यहाँ पे, और इसका जो ईस्ट है, जो ईस्ट है इसका, यहाँ पे हमारा है वेस्ट बंगाल, ठीक है, WB। तो ये हमारा हो गया बिहार के चारों तरफ के क्षेत्र जो कि लैंड लॉक्ड है हमारा राज्य, और ये जो क्षेत्र हैं जिससे हम लोग घिरे हुए हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ से क्वेश्चन और अराइज करता है, ये ध्यान रखेंगे कि बिहार का बंटवारा कब हुआ, यानी कि बिहार जो है सन 1912 में, जी हाँ, किसका किसका, तो बिहार और उड़ीसा और झारखंड, ये जो है तीनों राज्य एक में हुआ करते थे। लेकिन 1236 में क्या हुआ, 1936 में क्या हुआ, 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और हमारा जो राज्य था बिहार और झारखंड वो एक था। लेकिन सन 2000 में क्या हुआ, तो ये जो क्षेत्र है झारखंड को भी एक अलग राज्य बनाया गया। अब जो झारखंड बिहार से अलग हुआ तो बिहार का जितना भी खनिज संपदा था वो इससे अलग हो चुका था, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा है कि बिहार जो है अपनी वर्तमान स्थिति में कब आया, तो डेट हमेशा याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को, यानी कि इसकी वास्तविक स्थिति कब हुई, यानी कि बिहार एक राज्य कब बना, पूर्ण राज्य नहीं कह सकते हैं कि अपने वर्तमान स्थिति में कब आया, तो ये है दोस्तों 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड को अलग किया गया बिहार से। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे इसके भौगोलिक चीजों से जुड़े हुए हैं, तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि भौगोलिक रूपरेखा क्या है बिहार परिचय प्रथम वन में। अब हम आपको स्क्रीन पे लेकर चलेंगे, कुछ और चीजों को, तथ्यों को बताएंगे यहाँ पे जो कि आपको याद करना होगा, सिर्फ और मेमोराइज क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं आपको स्क्रीन पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ से ये सारी चीजें समझ गए, एक फिगर आउट दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं, वहां पे जो जो टॉपिक मैंने अभी बताए हैं उसको एक विस्तार रूप से हम लोग पढ़ते हैं जो कि मैंने आपके लिए एक कलेक्शन ले रखा है। तो देखिए हम लोग कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं अब यहां से, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं बिहार परिचय से रिलेटेड। इसके पार्ट अभी वन चल रहा है, मैंने आपको शुरू में ही बताया है, तो पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड, तीन भाग में ये पूरा बिहार परिचय संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो समाप्त कर दिए जाएंगे, और आपको हर वो चीज़ क्लियर आउट किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जी हाँ। तो सबसे पहले हमने क्या बात किया कि बिहार को बिहार क्यों कहा गया, तो बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों बिहार, जो कि पवित्र बौद्ध स्थलों के नाम से जाना गया, मठों के नाम से जाना गया, शिक्षण केंद्रों के नाम से जाना गया, जी हाँ। उस समय तत्कालीन बौद्ध स्थल को हम लोग बौद्ध स्थल के दर्शन भी कहते थे, तो बहुत सारे नाम दिए गए थे उस समय। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज़, एक पॉइंट नोट कराया कि 24वें तीर्थकर महावीर मगध वैशाली अंग विदेह के चैतल्यों का विहार यहाँ किया हुआ था, यानी कि वो पहले से वहाँ पे विद्यमान थे लोग, ठीक है। उनके बाद यहाँ पे बौद्ध भिक्षु आए यहाँ पर बिहार में, ठीक है। तो खैर अगर हम चर्चा करें इसकी स्थापना दिवस की दोस्तों, तो 22 मार्च याद रखिएगा सन 1912 को बिहार उड़ीसा सहित यहाँ एक प्रांत का गठन किया गया। आपको बता दें कि बिहार को बंगाल से ही अलग किया गया था, चूँकि बंगाल का क्षेत्र जो था बिहार में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था, और उसके बाद ये बंटवारा किया गया सन 1912 ईस्वी में, जिसमें कि बिहार और उड़ीसा सहित एक प्रांत का गठन किया गया था। आपको बता दें कि जो भी संबंधी यहाँ पे विविध घोषणा हुई थी उसमें जारी किया गया, और इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस के रूप में जाना भी जाता है, बिहार दिवस के रूप में इसको मनाया भी जाता है। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है
याद रखेंगे 22 मार्च को कब अलग किया गया, बिहार को 1912 में अलग किया गया, उड़ीसा उस समय हमारे राज्य के साथ हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, किससे अलग किया गया, तो बंगाल से अलग किया गया। देखिए, बंगाल बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है यहाँ से कि बिहार सरकार का सचिवालय जो है कब से कार्यरत था यहाँ पे, तो 1 अप्रैल 1912 से था, ये मैं हमने आपको बताया भी है। सन 1936 की अगर हम बात कर लें तो 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा को दोनों को अलग किया गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया बिहार से। ठीक है, अब वो 1 अप्रैल से उड़ीसा सरकार जो है वहाँ पर अपने सचिवालय की कार्यभार संभालने लगी और उसको अलग कर दिया गया। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो सरायकेला खरसवा जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया था 1948 में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, राज्य की पुनर्गठन की हम चर्चा कर लेते हैं फिर से एक बार, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिएगा आप लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का अनुशंसा 1 नवंबर 1956 को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल के स्थानांतरित कर देना पड़ा था। ठीक है, ये एक ध्यान रखिएगा, 1956 में वह बंगाल बंगला भाषी क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें कि धनबाद के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला, मानभूम, चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग हुआ करता था, जिसमें कि हस्तांतरित आबादी हुआ करती थी 1446385 लोगों की। ठीक है, तो ये बंगाल के पुनर्गठन के बाद, मतलब बिहार के पुनर्गठन के बाद ये सारी चर्चाएं होने लगी थी पुनर्गठन के लिए लेकर। यहाँ पर 15 नवंबर को एक बार फिर से बंटवारा किया गया बिहार का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नवंबर सन 2000 को दक्षिण बिहार का क्षेत्र जो था 69,714 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग बिहार का 46% भाग जो है दोस्तों, जी हाँ, अलग करके एक झारखंड राज्य का गठन किया गया। आपको यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इस तरह के, जी हाँ, 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप में आया, अपनी वर्तमान स्थिति में आई, ये मैंने लाइन भी आपको बता रखी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बिहार की भौगोलिक रूपरेखा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अवस्थित है अभी कहाँ पर हमारा राज्य बिहार, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग, देखिए ये पूर्वी क्षेत्र कहलाता है ना, उत्तर इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारा देश है वो कुछ इस तरह से है और ये हमारा जो यहाँ पे बिहार है, अब ये जो है क्षेत्र हमारे इधर पूर्वोत्तर राज्य हैं, सात बहने या आठ बहने के नाम से जानी गई, और ये जो हमारा क्षेत्र है ये पूर्वी राज्यों के संबंध में आता है। तो उत्तर पूर्व यानी कि हम लोग उत्तर की तरफ हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, तो हम लोग उत्तर भारत की तरफ हैं, इसलिए उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन है यहाँ पर। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि गंगा नदी से घिरा हुआ है राज्य हमारा बिहार, तो मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है हम लोग। तो ये स्थिति है हमारी बिहार राज्य की, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। भौतिक स्थिति अगर पूछ लिया जाए यहाँ से, तो अक्षांशीय और यहाँ पर क्या है और देशांतरीय हमारा स्थिति क्या है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से मिनट और सेकंड में ये लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि बिहार की भौतिक स्थिति क्या है, तो 24 डिग्री अक्षांशीय और 20 मिनट और 10 सेकंड की है, से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक की ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है। अगर देशांतरीय बात कर ले तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक की देशांतर रेखा ये पर, ये देशांतर स्थिति पे हमारा ये मैप में है। अगर हम ग्लोब पर देखें तो ये स्थिति ऐसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि अगर पूछा जाए कि ग्लोब पर भौतिक स्थिति क्या है बिहार की, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप लिख सकते हैं आंसर। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक के ये अक्षांशीय है और देशांतरीय है दोस्तों 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक की देशांतर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। अगला है यहाँ पर ज्यामितीय आकार कैसा है बिहार का, तो आप लोग फिगर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का हमारा राज्य है। किस तरह का, तो आयताकार है ना, आयताकार है। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया है किस तरह का हमारा बिहार राज्य का आकार है, तो ये है आयताकार, ध्यान रखिएगा।
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है इसकी, तो 173 फीट की है, लगभग 53 मीटर ऊंचाई है हम लोग की। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे क्षेत्रफल, यानी कि लगभग 93.4 लाख हेक्टेयर में हम लोग बसे हुए हैं। भारत की कुल यहाँ पे क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है बिहार, तो 2.86, तो ज़्यादा बड़ा राज्य अब नहीं रहा बिहार यहाँ पर, लेकिन अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो 2.86 यहाँ पे परसेंट है भारत के कुल हिस्से का, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देश का स्थान पूछा जाए तो 13वां है। तेलंगाना राज्य बना, नया गठन हुआ, उसके पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान अब 13वां हो गया है। वैसे 12वें स्थान पे था 2.8% के मुताबिक, लेकिन अब ये 13वां स्थान हो चुका है तेलंगाना के बनने के बाद। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, स्टार मार्क यहाँ पर लगा सकते हैं। लंबाई तो 345 किलोमीटर की है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। चौड़ाई तो 483 किलोमीटर की है पूरब से पश्चिम की ओर। ग्रामीण क्षेत्र तो 92,257 वर्ग किलोमीटर की लगभग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की यहाँ पे क्षेत्रफल है, ठीक है। सीमाओं की मैंने चर्चा आपसे कर दी है जी हाँ, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये चौहद्दी हो गई इसकी, इसलिए इसको आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। तो एक परिचय, बिहार परिचय से दोस्तों पहला पार्ट था आज हमारा जी हाँ, बिहार परिचय से, जहाँ पे हमने देखा बिहार परिचय और उसकी स्थापना और उसके भौगोलिक रूपरेखा के और सीमाओं के बारे में। लेकिन अभी आगे और कहानी बाकी है, फिर उसके बाद हम लोग बिहार को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, बिहार का इतिहास, भूगोल, इसके अर्थव्यवस्था, यहाँ का जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक आपका साथ साथ चलता रहेगा आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वीडियो आप लोग देखने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि जो भी PDF क्यूज सेक्शन दिए जाएंगे आपको वो वहाँ पर हम आपको शेयर कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।